बेटा कुणाल अभी तक उठा नहीं। अरे सुनी गलियां तुम्हें दिखाई नहीं देती, अभी तक नींद से नहीं जागा है। जो सोचा था वही हुआ। पास के मंदिर में जाने के लिए चार गलियां घूम के जाना पड़ेगा। चार गलियां को घूम के जाना है, चलो यहीं से चलते हैं ना। कुणाल उठ गया क्या? नहीं उठा, क्या काम है? कुणाल के यहाँ रहने वाले एक आदमी ने मुझे 5,000 रुपए देने बाकी हैं और देने का वादा किया था। यहाँ अभी तक कुणाल उठा नहीं, अब उसके पास पैसे मांगने जाऊंगा तो खाली हाथ रोते रोते आना पड़ेगा, बाद में आकर लेता हूँ। ठीक है। ये कुणाल कौन है? उसे देखकर सभी डर क्यों रहे हैं? इस एरिया का भाई है या कोई नेता है? असल में वो गुंडा नहीं है, गुंडे जैसा लगता है, नेता नहीं है, नेता जैसे काम करता है, वो एक अलग टाइप का आदमी है। अगर उठेगा तो क्या प्रॉब्लम है, लोग क्यों डर रहे हैं? सुनो, वो उठेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं उससे वाकिफ हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। प्यार के लिए मदर टेरेसा, दिमाग के लिए अब्दुल कलाम, सुंदरता के लिए ऐश्वर्या राय, स्टाइल के लिए रजनीकांत, स्टेप्स के लिए मदन, आंखों की चमक जैसी लाइटिंग, कानों को हिलाने वाला साउंड, 24 आवर नॉन स्टॉप सर्विस, गली गली में कोने कोने में आप जब चाहेंगे तब, जहां बुलाएंगे वहां, एनी प्लेस एनी सेंटर। अरे सुनो, प्यार से समझाओ, लड़ाई मत करो। जी बीच में मत बोलिए। शादी के लिए, सगाई के लिए, पर डे के लिए, डेड डे के लिए, सभा के लिए, सम्मान के लिए, सभी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ सर्विस देने वाली एकमात्र सर्विस कुणाल साउंड। डर लग रहा है। अब डरना हमें नहीं, शर्मा को चाहिए। सुबह सुबह कुणाल से उसका सामना होगा, पता नहीं उसका क्या होगा। ए शर्मा, अंदर से झांक झांक के क्या देख रहे हो? बाहर कुणाल, मुझसे कोई गलती हुई क्या? कोई गलती नहीं हुई। सुबह सुबह हमारे कुणाल को सपने में तुम्हारी मनोहर दिखनी पड़ी। नया एम्पलीफायर फटाक करके एकदम से जल गया। उसके 5,000 रुपए जल्दी से निकाल। 5,000 देने होंगे। तू क्या, तेरा बाप भी देगा समझे? गलती हो गई कुणाल, एक बार माफ कर दो। कुणाल के पास माफी नहीं है, तो सजा देता है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो तेरी बीवी को ले जाऊंगा। क्या, 5,000 के लिए तुम मेरी बीवी को ले जाओगे? 5,000 के बदले ये कंगन ले जा रहा हूँ, बिल बाद में भिजवा दूंगा। लूट के माल की भी रसीद देते हो क्या? लूट मार नहीं है, मारवाड़ी तरीका है, पैसे देकर कंगन ले जाना। अच्छा, जागने तक यहीं खड़े रहोगे, दूसरा रास्ता नहीं है क्या? है, फिलहाल एक रास्ता है। जब दूसरा रास्ता है तो डर कैसा? जगते ही गधी को देखेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्यों, यही कंफर्म करने के लिए उसे ले आओ, फिर शान से घूमेंगे। कुणाल को नींद से जगाने के लिए गधी खरीदा हूँ, फिर गधे को जगाने के लिए क्या करना होगा? छोटे पत्थर से काम नहीं चलेगा, बड़ा पत्थर लेकर आओ, बड़ा पत्थर लेकर आओ। ये क्या, इस पत्थर से मारोगे तो गधी मर जाएगी, फिर हम मरेंगे। नहीं मारू क्या? नहीं। क्या मुझसे जा क्या? ए, चिल्लाना बंद कर चुबे। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। नमस्ते कुणाल भाई। क्यों चाचा इतना लेट? सुबह गुप्ता के घर में लाइटिंग सेटअप है, आपको पता था ना, बातों से काम नहीं चलेगा, एक छोटे से गधे को भी नहीं संभाल सकते आप। चले आए हाथ हिलाते हुए इसके साथ। हाथ हिलाता हुआ आया हूँ? हर दिन शेर की तरह शान से चलने वाला, आज लंगड़े कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने खड़ा है और तुमने पूछा भी नहीं कि क्या। और क्या हुआ होगा, रात में टल्ली में किसी और के घर में घुस गए होगे, उसने झाड़ू से पूजा की होगी, तू पीकर क्या क्या हंगामा करता रहता है वो सब मुझे पता रहता है। ये सब इसकी वजह से। बस करो बस करो, और कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह दोनों आपस में झगड़ते रहते हो। ये लो 100 रुपए। क्यों? नाश्ते के लिए। और हमारे लिए? तुम्हारे नहीं, गधे के। गधे के लिए 1 किलो हरा भरा चारा और ब्रेड लेकर आओ। एक समोसा और पाव हमारे लिए भी मंगा लो ना, उस गधे के लिए इतना कुछ मंगा रहे हो। ठीक है ठीक है, ज्यादा दिल पे मत लो, बचे हुए पैसों से तुम भी नाश्ता कर लेना, मैं घर जाकर नहा के आता हूँ। इसका क्या करें? ये क्या है मामा जी, कल से हम लोग पत्ते घास फूस चारे खाना शुरू करते हैं, ठीक है ना? चलिए आइए। कुणाल, मेन बोर्ड से वेलकम तक की लाइटिंग पूरी हो गई है, तुम एक बार चेक करके कनेक्शन जोड़ दो, बस अपना काम खत्म हो गया, समझ गए? अरे कनेक्शन कैसा, एक पैसा भी एडवांस लिए बगैर पूरा डेकोरेशन किया है। पहले कलेक्शन उसके बाद कनेक्शन। चाचा जी जाकर दुल्हन के पिता को बुला लाओ, वो कहाँ है? मैं भी तो उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गया है। ए माइक पर आवाज लगा उसको। हेलो माइक चेक 1 2 3। कृपया करके दुल्हन के पिताजी श्रीमान दीनदयाल जी जहाँ कहीं भी किसी भी हालत में हो इस माइक सेठ के पास आकर श्री कुणाल जी से भेंट करें। इतनी इज्जत से बुलाओगे तो आएगा क्या? मुझे दो। ए दयाल, अरे कहाँ रहे? मैं 3 तक गिनूंगा, उसके अंदर मेरे सामने आ जाना, नहीं तो मुझे तू जानता ही है। क्या कुणाल,
माइक में चिल्लाकर मेरी इज्जत क्यों उतार रहे हो? बड़ी इज्जत की बातें कर रहा है। मंडप में पैर रखते ही पैसे देने का वादा किया था ना। शादी में गिफ्ट के पैसे मिलेंगे, उन पैसों से मैं तुम्हारी लाइटिंग का कर्जा चुका दूंगा। क्या कहा, गिफ्ट के पैसे से? हाँ कुणाल, मालूम है मैंने ऐसे ही अपनी चारों लड़कियों की शादी परफेक्ट प्लानिंग के साथ की थी। मालूम है, बिना किसी तकलीफ से आए हुए गिफ्टों से उधारी चुका दी। अब मेरी छोटी लड़की की शादी भी परफेक्ट प्लानिंग के साथ हो रही है। हर बार बेटी की शादी के लिए ऐसी बकवास नहीं करनी पड़ती, अगर एक बार बेटी होने के बाद फैमिली प्लानिंग कर देता समझे। ये क्या मेरे हाथों में है, ये तो भगवान के हाथ में है। भगवान तो सब कुछ देगा, तो क्या सब कुछ लेते जाओगे बुढ़े कहीं के? अब जो होना था वो तो हो गया, अब पैसा के क्या होगा। कुणाल कुणाल जल्दी से लाइटिंग चालू कर दो, मैं परफेक्ट प्लानिंग में हूँ। अरे रुको भगवान, मैं आ रहा हूँ। चलो कनेक्शन चालू करके चेक करो। ठीक है, दुल्हा को दुल्हन को गिफ्ट देने वाले लोग आगे आकर गिफ्ट दे सकते हैं। आइए। तो नाम लिखता रहे, मैं वसूल करता हूँ। हट। गिफ्ट देने वाले सभी लोग कृपया आ जाएं। गिफ्ट देने वाले आगे आओ। भोलेनाथ पान वाला 1001 दे रहा हूँ। उसकी तारीफ ठीक है। भोलेनाथ पान वाले की तरफ से दुल्हन को 1001 रुपया भेज दीजिए। दीजिए दीजिए दीजिए। सर एक ही रुपया क्यों दिया, आप भूल गए क्या? आप ही ने 1001 देने का वादा किया है, लाइए बाकी पैसे दीजिए। कमाल करते हो यार, वो दयाल जी मेरे पास से 1000 रुपया उधार लिए थे। हाँ तो क्या, मुझे पता है वो 1000 रुपया तो मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए 1 रुपया डाल के 1000 दे रहा हूँ। नमस्ते। खाना खाने के लिए मत रुकना। अभी तो देने वालों ने शुरुआत किया, प्लान किया प्लान किया, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बजाओ रे बजाओ। आया रे, सबको तुम प्लानिंग प्लानिंग बताते जा रहे हो, यहाँ तो सब उधारी में काम चल रहा है, क्या सोच रहे हो? तो बेकार हो गई है, अब सामने वाला जो दे वो ले लेना। भैया वेंकट रतन 2016, भैया वेंकट रतन लड़की वाले की तरफ से लिखिए 2016 रुपए। सर 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 पैसे देकर जाइए। उनको पैसे क्यों देने, हमारे अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग मतलब? दयाल हमारे फंक्शन में आया था, उसने हमें पैसे नहीं दिए, हम उसके वहाँ आए हैं, तो दोनों तरफ से एक ही बात हुई, तो पैसे बीच में कहाँ से आ गए बताइए, तो हिसाब बराबर हो गया। ये लीजिए मेरी। लाओ उधर दो। गिफ्ट के पैसे आने के बाद दहेज के पूरे पैसे देता हूँ ऐसा कहा था तुमने। अब सेट मेकिंग वाले को बाजे वाले को पैसे देने का सोचकर मेरे दहेज के पैसे ना देना क्या रहता है क्या तुम्हारा? समझे जी ऐसा मत बोलिए, कुछ भी करके मैं आपको एक हफ्ते में सारे पैसे दे दूंगा। तुम्हारा सर बेचने जाओ तो कोई 10 पैसे भी नहीं देगा। कोई सेंटीमेंटल डायलॉग बोल करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। सुनो, दहेज के पैसे पूरे दिए तो तुम्हारी बेटी मेरे घर में बहू बनकर पैर रखेगी। पूरे पैसे देने तक इसे अपने घर में रखो, जाओ। ऐसा मत करो भाई साहब, लड़की की भोली सूरत। मेरे बेटे ने इसे मंगलसूत्र पहनाया और पैसे कम हो गए, फिर भी इसे अपने घर में ले गए तो हमें सड़क पर आके भीख मांगनी पड़ेगी। लड़की के बारे में कुछ बोला तो काट डालूंगा, इनकी सजा लड़की को क्यों दे रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या, तुम्हें पैसे से मतलब है ना? तो पैसे तुम दोगे क्या? देने ही आया हूँ, वो ले और जा, लेकिन मेरे देने का तरीका अलग ही होता है। बोल चाहिए क्या? तुम्हारी नजरों में भिखारी लग रहा हूँ क्या मैं? इसमें लगने की क्या बात है, भिखारी में और तुम में कोई फर्क है क्या? उसे ना दो तो फिर भी चल जाता है, लेकिन तुम तो उससे भी नीच हो। ए, फिर कभी भीख नहीं मांगना, नहीं तो हर दूसरे दिन कभी रिंग चाहिए या दीपावली पर चैन चाहिए कहकर लड़की को रुला कर भेजा ना, तो रिंग पहनने के लिए उंगली नहीं बचेगी और चैन पहनने के लिए गर्दन नहीं, समझ गए ना? अब इज्जत से लड़की को अपने घर ले जाओ। ठीक है। कुणाल, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बेटी का घर बसा दिया। पैसे पैसे कह के पीछे पड़े थे, मुझे लगा तुम लालची इंसान हो। तुम्हारा दिल तो सोने की तरह है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे पैसे दे दूंगा कुणाल। अरे कोई बात नहीं, पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। ये क्या भाई, आदमी 3 है, 2 ग्लास में कैसे पियेंगे? ये नहीं पिएगा, इनको ग्लास की जरूरत नहीं है, ये ग्लास से नहीं पीते हैं। ये क्या, बिना पानी मिलाए डायरेक्ट बोतल मुंह से लगा के पीता है? अब मिलाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम जाके चिकन लेके आओ। चाचा जी, ये पहले ही 1 क्वार्टर खत्म कर चुका है, दूसरी बोतल संभाल के रखो। लगता है कोई प्लान बना रहा है। चाचा जी, छोटा सा डाउट है, दारू पीने से पहले मदन की 10 उंगलियां थी और पीने के बाद देख रहा हूँ 11 हो गई है। तुम पिए हुए हो कुणाल, तुम नशे में हो, तुम क्या बोलो तुम्हें पता नहीं है? 11 उंगलियां, शर्त लगा लो। शर्त लगाने के लिए मेरे पास पैसे चाहिए तो क्वार्टर की शर्त लगा। मामा जी, लगता है कुणाल को चढ़ गई है,
कैसी हरकतें कर रहा है? शर्त लगा लीजिए। ओके, दोनों का क्वार्टर पे शर्त लगा रहा हूँ, तुम हार जाओगे तो दोनों को देना होगा। ओके, तुम गिनती करो। ओके, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस ही तो है। देखो मैं गिनती करता हूँ, देखो दस नौ आठ सात छ और प्लस पाँच कितना हुआ, तो मैं जीत गया। नहीं देखो देखो देखो, मैं गिनता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, बस दस है ना, मैं गिनती करता हूँ, दस नौ आठ सात छ और प्लस पाँच कितना हुआ यार, भाई तो मैं कब से कह रहा हूँ। यहाँ पे कुणाल कौन है? ए, दम है तो सामने आ। ए, अच्छा तो तुम हो कुणाल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक मारूंगा पत्ती सी बाहर आ जाएगी। तू मुझे मारेगा, अंगूठे भर का तो है, मसल के रख दूंगा। चल मार मार मार। हम क्यों जल्दबाजी करें, कुणाल देख लेगा, समझ गए तुम? चलो उधर चलते हैं, निकल चलो। मेरे एरिया में घुसने की कोशिश मत करना कालिया, वरना तुम्हारा एरिया भी कल से मेरा हो जाएगा। क्या बॉडी है, कुणाल के हाथ से मार खा के आया। ये ले बाम लगा ले। हाय, कितनी बार कहा तुमसे, कैसे लोग हो तुम? हाँ, अगर तुम्हें समझ होती तो इस तरह की हरकतें तुम करते क्या? रोज अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी तुम लोग बदले नहीं। मुझे तुम पर थोड़ा भी भरोसा नहीं। देखो कैसे लग रहे हो, जैसे सर्कस के काम वाले जोकर। मेरे मासूम से बेटे को बार में लेके जाते हो। क्या कह रही है? दूध पीने वाले मेरे बेटे को दारू पिलाते हो। अब चुप भी रहिए, आप अपने बेटे की ममता में कुछ भी बोले जा रही हैं। आपके लड़के को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो पानी मिला के पीते हैं, तुम्हारा बेटा तो बोतल से पीता है। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे मासूम बेटे को दारू में पानी भी मिलाना नहीं आता। हाँ माँ, मैंने इनसे पानी मांगा तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में दारू मिलाकर पिला दी। आज के बाद ऐसे बेवड़े लोगों के साथ घूमना मत। माँ इतनी इज्जत के साथ हमें गालियाँ दे रही है और तुम अनजान भर का नाटक कर रहे हो, हैं? शर्म है या गुस्सा रखने वाले इंसान, हम ये नहीं जा सकते। चलो मदन। नो, क्यों? मैं जब से कुणाल के पास काम पे लगा हूँ तब से शर्म है या गुस्सा सभी खड्डे में डाल दिया हूँ। आपको जाना है तो जाइए। जिसमें स्वाभिमान हो वो यहाँ कभी नहीं रह सकता। चाचा जी, कुछ भी कहो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। चाचा, अच्छी नौकरी छोड़कर जा रहे हो, याद रखना कि मेरे अलावा तुम्हें कोई भी काम पर नहीं रखने वाला। जैसे बहुत बड़ा काम है, ये कोई बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर जॉब है क्या? जाओ। मामा जी को गुस्सा बहुत आता है। अरे सुनो, जल्दी से हाथ धो लो, मैंने खाने की तैयारी कर ली। हाथ धोते हैं, चला। अरे अभी तो क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं तेरे जैसा ही हूँ, सब कुछ बाहर छोड़ कर आता हूँ। आदमी है। भाग ले बेटा। ए, कुणाल। अरे भाग, भागो मत, रुक जाओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ, नहीं तो मुसीबत में आ जाओगे। मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मैं कह रही हूँ ना। ए, ए, चोरों को माफ करके छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि चोर तो पैसे और गहने चोरी करते हैं, लेकिन तुमने तो मेरा दिल चुराया है। ए छोड़, कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दो। जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं कहोगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमसे कैसा प्यार, तुम लाठी पकड़ने वाले इंस्पेक्टर, मैं माइक पकड़ने वाला छोकरा, हम दोनों का मिलन कैसे होगा? लाठी तो मेरे पास अभी है, लेकिन शादी में लाठी नहीं लाइट की जरूरत होगी, तो अपने आप ही हमारा मिलन हो जाएगा ना। हम दोनों का मिलन कभी नहीं होगा, तुम यहाँ से जाओ ना। तुम्हें 10 दिन बाद मिल रही हूँ, एक चुम्मा दो तो चली जाओ। ठीक है, चुम्मा दूंगा, लेकिन उठो तो सही यहाँ से। ठीक है, चलो दो ना। तुम देखते रहोगे तो मुझे शर्म आएगी, पहले आंखें बंद करो। क्यों, भागने का इरादा है क्या? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो लो ये माइक पकड़ लो। माइक क्यों दे रहा हूँ, ये सोच रही हो ना? पुलिस को जैसे वर्दी और टोपी प्यारी होती है, माइक वाले को माइक होता है।
पकड़ो, आंखें बंद करो। ठीक है, दो दो ना, दो। बच गया बाप, भाग लो। ए, तेरा माइक मेरे पास छोड़ के भाग रहा है। माइक है अपने पास, रख लो, मेरे पास ओरिजिनल माइक है। कभी ना कभी तो मिलोगे ना। बेटी, बहुत ही प्यारी आवाज है तुम्हारी। तुम्हारी आवाज सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया माँ जी। बेटी, तुम्हें कभी इस मंदिर में देखा नहीं, कौन हो तुम? मेरा नाम जानवी है, मैं इस शहर में नई हूँ, यहाँ आकर एक हफ्ता ही हुआ है। अच्छा बेटी, तुम कहाँ रहती हो? वो श्रीराम शास्त्री जी के घर में पेइंग गेस्ट हूँ। हाँ हाँ, काम क्या करती हो? बच्चों को संगीत सिखाती हो क्या? नहीं अभी नहीं, सिनेमा में कोरस गाती हूँ। कोरस मतलब? वो क्या है ना, जहाँ चित्राजी जैसे सिंगर्स गाते हैं ना, उनके पीछे कुछ लोग गाते हैं, उसी में गाती हूँ। ओहो, सामने वाले को गायक कहते हैं और पीछे वाले को कोरस कहते हैं। तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम जरूर सिंगर बनोगी। भगवान के आशीर्वाद से तुम जरूर कामयाब होगी। शुक्रिया माँ जी। अरे रामू, बहुत चुप क्यों रहे हो? यहाँ क्यों रे? रात को दारू पीके अपनी बीबी को मारते है, मैंने सुना है। क्यों, कुणाल को बताऊं क्या? अरे रे, नहीं माँ जी, कुणाल को बोलोगी मेरे पैर ही काट देगा। ये जगह मत छीनिए मेरे हाथों से, उसे मत बोलिए। ऐसे दोबारा मत करना। इस एरिया में कुणाल के नाम से लोग बहुत डरते हैं। ये कुणाल कौन है? मेरा बेटा। ऐसे लोगों को वही ठीक करता है। ठीक है माँ जी, मुझे रियाज के लिए जाना है, मैं चलती हूँ। फिर मंदिर में कब आओगी बेटी? तुम्हारा गाना फिर से सुनना चाहती हूँ। क्यों नहीं माँ जी। शिवा भाई, वो देखो, मिडनाइट मोहिनी। देखने तक ही मिडनाइट है, देखने के बाद गुड नाइट हो जाएगी। कौन है भाई? परफेक्ट फैमिली टाइप है ना। आधी रात को 12 बजे आ रही हो, अच्छे घर की हो या कोई और नाटक है? रुको, ये टाइम अच्छा है ना भाई? सुबह मुझे एक ने मेरा भविष्य बताया था, बोला था कि तुम्हें एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगी ये मैंने नहीं सोचा था। ले चल इसको, देखते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ा तो क्या करोगी? मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। किससे करोगे? कमिश्नर से करोगी? कलेक्टर से? कुणाल से। कुणाल से? कुणाल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उनके होने वाली बीवी हूँ। ओ बहन, उनसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो बहन। आप जाओ, आप जाओ, जाओ, जाओ। ला 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 ला। इसे खरीद कर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, चलो चलते हैं। ए, हो गया, सब मिलकर कार में ही चलते हैं। नहीं बेटा, इससे अच्छा पैदल चलेंगे तो इससे पहले पहुँच जाएंगे। तुम आराम से आओ। क्या बात करते हैं। ए, तुम आज मेरे हाथों से बचोगे नहीं। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? किसकी बात कर रही हो? नाटक मत कर। माइक मुझे देकर कनेक्शन उसे दे रहे हो। वो सबसे कहती फिर रही है कि कुणाल की औरत तो सब जगह पब्लिसिटी कर रही है। ए, तो क्या गलत कहा? इस एरिया के 7 साल के बच्चे से लेकर बुड्ढों तक सबका हमदर्द हूँ। बुड्ढी ने कहा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक 20 साल की लड़की तुम्हें अपना लवर कह रही है, इसका क्या मतलब? लवर? ये सुन के मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है तुम्हें पता है? चाहो तो देख लो। इची, बनकर, मार्केट में इतनी सुंदर लड़की मेरे पीछे पड़ी है, जब उससे प्यार नहीं करता तो तुझसे क्या करूंगा? घुमा फिरा के बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। मैं एक पुलिस हूँ, प्रूफ के बगैर बात नहीं करती। इधर आ, इसको बता। हाँ कुणाल भाई, वो अंधेरे में आ रही थी तो मैंने पूछा कौन हो, तो आपका नाम बताया। बताया कि आपके होने वाली बीवी है, तो हमने कुछ नहीं बोला भाई। भाई एक बात बोलूं, स्ट्रीट लाइट जैसे इंसान को चांद जैसी रोशनी वाली बीवी मिली है। ए, बहुत बोल चुका तू। आप क्या कहता है बोल? ए, तू लड़की को जानता है? ये देखो यही घर है। अबे तेरी तो, मुझे लड़की दिखाने लाया था या घर दिखाने? दारू पीने से पहले दिखाने के लिए ला रहा था। तो असली माल लेकर आयो? लड़की को ए नहीं एजी कहते हैं। लड़की से पहली बार बात कर रहा हूँ ना, इसलिए। क्या नाम बताया था उसका? अभी बताता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे नहीं भाई, मैं बुलाता हूँ। बहन जी, ए बहन जी। वो यार, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। ओहो, तो वो तुम हो। मुझसे पंगा लेने से पहले सोच तो लिया होता मैं कौन हूँ।
ये बताओ, हाथ में माइक लिए बना तो पूरे गांव में ढोल क्यों बजाती फिर रही हो? हेलो, कौन है आप? पूछती है कौन है? माइक का बादशाह। पीके लफड़ा मत करिए, मैं कौन हूँ आप नहीं जानते। तेरे बारे में सब कुछ पता करके आ रहा हूँ चमत्कार की चिंता मणि। ऐसे क्या देख रहे हो, तोड़ डालो सबको। ठीक है। देखिए क्या, ऐसे हंगामा मत करिए, इज्जत से चले जाइए, नहीं तो जिसे कहना है उसे कह दूंगी मैं। तो डरा किसको रही है? मुझे किसको बोलेगी? कुणाल से। मैं ही हूँ कुणाल। बिना पहचान के सबके सामने मेरा नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए धंधा करती है, हर रात न जाने किसके साथ सोती है और नाम बताने में शर्म आती है। मेरा नाम क्यों बदनाम कर रही है? I'm so sorry. उस वक्त अगर आपका नाम नहीं बताती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। अपने आप को गुंडों से बचाने के लिए मुझे आपका नाम लेना पड़ा। भगवान का नाम लिया तो उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन आपका नाम लिया तो तुरंत मुझे छोड़ दिया। आपके नाम से बची, मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। और नहीं तो क्या, बिना परमिशन कुणाल भाई का नाम लेगी क्या? ए, ज्यादा बकवास नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, चलो यहाँ से। ठीक है बहना, चलता हूँ। देखो कुणाल, माइक स्पीकर बंद रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन राजनीति के लोगों का ऑर्डर मत लेना। वो किस लिए? अरे कल वो एमएलए के बर्थडे में लाइटिंग करने गए थे ना, प्रोग्राम होने के बाद पैसे मांगने गए तो वो बोलने लगा कि हमें पैसे देने की आदत नहीं है। हमारा नाम तो नहीं बताया। हाँ बताया था ना, वो बोला कुणाल हो या कोई भी हो, फिर इस तरह पैसे मांगे तो तुम्हारी दुकान ही नहीं रहेगी। ऐसा कहा? हाँ। उस एमएलए का कोई शॉप होगा ना? उसकी बीवी के नाम पे कोई सीमेंट एजेंसी है। अब देखना मिल जाएगा। उसकी बीवी शॉप मिल जाएगा। ये तू क्या कह रहा है? हाँ सर, सीमेंट उतारने के बाद कहता है कि मुझे पैसे देने की आदत नहीं है सर। वो तो हमारा ही डायलॉग मार रहा है। तूने जाने पहचाने बगैर सीमेंट कैसे बेच दिया? नहीं सर, उसने कहा वो आपका दोस्त है, और कल आप दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ में फोटो भी निकाली सर। अरे नेता लोग तो हर दिन 100 लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और तुम सब किसी को सीमेंट बेचते फिरोगे? क्या नाम बताया था उसने? कुणाल सर। यहाँ पे कुणाल कौन है? कोई बहुत बड़ा भाई है क्या? कौन है वो? बाहर निकल। तू कौन है रे? ये आवाज सुन के भी समझ में नहीं आया क्या? मैं हूँ कुणाल। क्या रे, तमाशा दिखा रहा है क्या? मैं 10 मिनट में तेरी वाट लगा सकता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पंगा लेता है? अरे एक लॉरी सीमेंट मंगवाता है और पैसा मांगो तो देने से इनकार करता है। लाइटिंग के पैसे मांगे थे तो तुमने क्या कहा था पैसे देने की? तुझे मेरे पावर का अंदाजा नहीं है। जानता हूँ तुम किसी को मुझे मारने के लिए भेजोगे क्योंकि पावर है। तुम्हारे आदमी आकर मुझे मार सके ये संभव नहीं है क्योंकि मेरे अंदर ज्यादा पावर है। तू क्या अपने आप को भाई समझ रहा है क्या? अगर कमर पे लूंगी बांध ली तो तुझसे बड़ा भाई लगूंगा। एमएलए के पद पर बैठा हूँ, राजनीति से जुड़ा हूँ, इसलिए चुप बैठा हूँ, नहीं तो तुझे कब का इस दुनिया से उठा देता। ए, सीमेंट की बोरियों को गाड़ी में डालो। हमें टॉयलेट बनाने के लिए सीमेंट देने वाले मेले, हमें मुफ्त में सीमेंट देने वाले मेले, हमें गिराने की आदत है बनवाने की आदत नहीं। रेती और ईंट भी देने वाले हमारे एमएलए। अरे सर जी, सीमेंट तो गई, लगता है ईंटें और रेतियां भी चली जाएंगे। बेवजह में पर्सनल मैटर को पब्लिक मैटर बना दिया इन्होंने। अब कुछ हंगामा करेंगे तो इस इलाके से मिलने वाले वोट भी आपके यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए चेहरे पर हंसी ला करके लोगों से हाथ मिलाते हुए चल के गाड़ी में बैठ के। ऐसा मत समझना कि मैं हार गया, मुझे नीचा दिखा के तुम यहाँ मशहूर हो रहे हो, बताऊंगा मैं क्या हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो, उस सीमेंट में मेरा भी हिस्सा है, 5,000 लोग हैं, चल निकल। Thank you.
बड़े सीरियस दिख रहे हो? ये मामूली केस नहीं है, फिर एमएलए के आदमी को मारा है। मैटर काफी सीरियस है, पक्की इंक्वायरी करने बोले, 5 ऑफिसर को भेजा है। कौन है वो ऑफिसर? अगर इतना दिमाग है तो ऐसे काम क्यों करता है? उन लोगों ने मुझे मारा इसलिए मैंने उन्हें मारा। ए, मैं पूछ नहीं रही हूँ, तुम किसी को मारो मुझे क्या? कुणाल, मैंने एक चुम्मा मांगा तो आंखें बंद करवा के वहां से भाग गए थे ना? अब कहाँ जाओगे? आज तुम मुझसे बच नहीं सकते, चूमना ही होगा। कुणाल का नाम लेकर बच गए थे, आज नहीं बचोगे। हमें पता चल गया है कि तुम्हारा कुणाल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। चुपचाप गाड़ी में बैठो। ए लड़की, क्या सोच रही हो? आज किसका नाम बताना चाहती हो? देखो, आज किसी का भी नाम बताओगी भाई को फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बैठो, टाइम वेस्ट मत करो, चलो। अरे वो देखो, कुणाल इधर ही आ रहा है। उस दिन पुलिस के सामने बोला था कि इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, फिर अब इसके पीछे पीछे क्यों आ रहा है वो? नमस्ते कुणाल भाई। नमस्ते। ए, इसके साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बहन जी अकेली जा रही थी, इस रास्ते पर गुंडे लोग रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही इनको ड्रॉप कर दूं। इतने में आप आ गए भाई। भाई चलते, भाई चलो भाई चलो। घर जा रही हो? आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। ओ, इस गाड़ी को देख रही हो? मैरिज से मैं सीधा यहीं पर चला आ रहा हूँ, टाइम बर्बाद मत करो, चलो। थैंक यू। कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कोशिश करना। ठीक है। ओ, क्या हुआ? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है, पंप तक जाएगी भी या नहीं? आपके घर में कुछ? ओ, पेट्रोल तो नहीं है। अरे केरोसिन भी चलेगा, मेरी ऐश्वर्या एडजस्ट कर लेती है। ऐश्वर्या? मेरी गाड़ी का नाम है। ठीक है ठीक है, अंदर आइए ना। ठीक है, बैठिए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए ना। नहीं कोई बात नहीं। कॉफी लेंगे या चाय? पहले केरोसिन दीजिए ना। मैं वो नहीं पूछ रही थी, आप पहली बार घर आए हैं ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। क्या लेंगे? तो कुछ भी चलेगा। बैठिए। ऐसे क्या देख रहे हैं, पीजिए ना। आज भी आप मुझे आकर जगाएंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी माँ ये कहती थी कि वो तुम्हारी बीवी थोड़ी है जो रोज तुम्हें जगाएगी, लेकिन अनजाने में हमारे बीच में ये क्या चल रहा है जानवी? हमें हेलमेट पहनकर और कितने दिन घूमना होगा? गधे की तरह जागते हैं हम और कुणाल को जगाते हैं, हालत बहुत खराब है यार। जानवी बताओ ना, जानवी तुम उससे शादी करोगी? बताओ बताओ ना जानवी, तुम उससे शादी करोगी? मैंने पहले ही कहा था वो गधी नहीं चाहिए। अरे शादी होने के बाद हम दोनों सुहागरात कहाँ मनाने जाएंगे जानवी? शिमला में या कश्मीर में? खेत में जाकर मना ले। करेक्ट। मेरे दिल पर हाथ रख कर देखो जानवी, तुम्हारी आवाज है, गधे जैसी आवाज है, दुनिया का सबसे पहले अजूबा यही होगा। आज तक तुमने बहुत सारे गाने गाए होंगे, लेकिन आज आज तुम सिर्फ मेरे लिए गाना गाओ। गाओ ना जानवी, गाओ ना। गाओ जानवी, गाओ जानवी, गाओ। लड़की सपने में आएगी तो ये गधा गधी से भी प्यार करने लगेगा। जब से उस लड़की ने थैंक्स कहा है तब से। तो तुम्हारे दिल में उसके लिए जो प्यार है उसे जा करके कह दो ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं। वेरी सिंपल, ऐसा करते हम सभी दारू पीकर उस लड़की के घर चलते हैं, तुम उसको कस कर अपनी बाहों में पकड़ लेना और 2-3 चुम्मे ले लेना, बस बस फिर हो गए तेरी। ए, मैंने दिल की बात बताने का आइडिया मांगा तो इज्जत लुटाने का आइडिया दे रहा है, थू। अरे कुणाल, जैसे उस लड़की ने तुम्हारे दिल को जीता है, उसके दिल को जीतने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, ये सोचो क्या करना होगा। हाँ ये ठीक रहे।
प्यार होने से पहले लाउड स्पीकर जैसा था, लेकिन प्यार होने के बाद टेलीफोन बन गया है। अब अपनी आंखें खोलकर देखो, अच्छी है ना माँ? बहुत ही अच्छी है। ये क्या है? अरे मुर्गी की टांग तो सफेद होती है, ये तो ऊपर से ऐसे पाउडर रखा है जैसे एमएफ हुसैन की पेंटिंग है। ए, रहने दे, ये रंगोली बहुत ही अच्छी है, तेरी शक्ल तो उससे गंदी है। अरे अपने बेटे को इतना ज्यादा मत चढ़ाओ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। सुंदर क्यों नहीं होगी, इसने बनाई ना, मेरे कमर में दर्द होती इसलिए मैंने नहीं बनाई, इसने बनाई। शर्म आ रही है? इतना मत खुर्चो कि दरार पड़ जाए और उसमें से पानी आ जाए। क्यों डांट रहे हैं इन्हें, अच्छी तो है, किसी मॉडर्न आर्ट जैसी है। बेटा ऐसा ही है, मेरा बेटा जिद्दी है। चल मैंने कॉफी बनाई है, पी के जा। नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी। गाने की रिकॉर्डिंग का टाइम हो गया है। रिकॉर्डिंग में जा रही हो? जी हाँ। बेटी मेरा एक छोटा सा काम करोगी? कैसा काम? सबको गाने सुनाने वाले कुणाल को गाने की रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो देखने की बहुत तमन्ना थी, लेकिन इसकी इस एरिया में तो बहुत इज्जत है, तुम्हारे स्टूडियो का वॉचमैन इसे जानता भी नहीं, तो उसने उसे गेट पर ही रोक करके रख लिया। मैंने कब कहा रिकॉर्डिंग देखनी है, लड़की के सामने मेरी इज्जत का मलूदा मत बनाओ। ये सेटिंग तेरे लिए ही है, दारू दारू जैसे सोडा सोडा जैसे रहे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाओ तो उसका नशा ही कुछ और है। सेटिंग करवा दो ना। ठीक है, ले जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन कपड़ों के बारे में कोई। ड्रेस के बारे में? ड्रेस के बारे में कोई टेंशन मत लो, अभी बदल के आता हूँ, हैरान रह जाओगे। पूरे निकाल के आएगा क्या? तुमने लेके जाने के लिए कहा तो कितना खुश होकर तैयार होने के लिए अंदर चला गया ना मेरा बेटा। हाँ बहुत छोटा बच्चा है, कल ही दूध पीना छोड़ा है इसने। कहा था ना मैंने, अब बताओ। वाह मेरे बेटे को कहीं नजर ना लग जाए। संभल के भाई, इस गली में कुत्ते बहुत ज्यादा हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इतना अंधेरा क्यों है? पहले गॉगल्स तो निकालो। अरे यार क्या कर दिया मैंने, इसको नोट कर लो। अच्छा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जानवी, आज देर क्यों हुई? सॉरी सर। ठीक है बैठो। नमस्ते सर। सारे का आप कौन है, ये किनके साथ आए हैं यहाँ पे? सर ये मेरे साथ आए हैं। तुम्हारे साथ? कुछ मत कहिए सर, ये हमारे एरिया का भाई है। भाई है? तो फिर भाई को यहाँ लेकर क्यों आई हो तुम? इन्हें रिकॉर्डिंग देखनी थी ना, इसलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अगर नहीं लाती तो मेरे लिए कल को कोई भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते थे सर, प्लीज सर। ठीक है ठीक है, उन्हें यहाँ खड़े रहने को कहो और तुम अंदर जाओ, समझी? थैंक यू सर। सर लड़की अपने एरिया की है, कोई झक्कास गाना हो तो इससे गवाही है, गाना सुनते ही धूम मच जाने चाहिए। अबे क्या करना है पता है, तुम वहाँ जाकर खड़े रहो। ए राजा, अच्छा मस्त गाना गवाओ, तू मुझे जानता नहीं है, प्लीज सर। सारे गा मा पा धा मा पा धा मा पा। सुर मिल नहीं रहे। सुर नहीं बदल रहे, मेरे हाथ हिल रहे, समझे? साइलेंस, रेडी। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ जानवी, आज चित्रा जी का आना कैंसिल हो गया है, हमें दोपहर की फ्लाइट से कैसेट भिजवानी है, इसलिए सोच रहा हूँ कि ये गाना मैं तुमसे गवा लूँ। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम बाकी बहुत आगे जाओगी। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक, जा। तुम इनके पैर क्यों पड़ रही थी? ये गाना मैं गा रही हूँ। तो क्या कैसेट में तुम्हारा गाना होगा? आ तो कल से अपने एरिया में तुम्हारा ही गाना सुनकर दिन की शुरुआत करेंगे, जा जाओ। रेडी टेक स्टार्ट, 1 2 3 4। अरे यार कौन है ये, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा टेक चल रहा है भाई। चित्रा मैडम आ गई हैं। चित्रा जी आ गई हैं? आपने कट क्यों कहा सर? चित्रा जी आ गई हैं, आप हेडफोन रखकर के पीछे कोरस में खड़े हो जाइए। सिंगर बनना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए भी नसीब की जरूरत है। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टेक करें? हाँ तैयार है, सब कुछ तैयार है। आप चलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आ
क्या सोच रहे हो कुणाल? मैंने एक फैसला कर लिया है। तुम जो भी फैसला करोगे हम उसमें साथ देंगे। उसे कोई और गाने का मौका नहीं देगा। जानवी से मैं गाना गवाऊंगा। तो चलो हम एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाएंगे? 6 महीने से राशन कार्ड के लिए फोटो निकालने की औकात नहीं है और फिल्म बनाओगे तुम? फिल्मों के गाने कोई गाना कहते हैं क्या? स्टेज पर गाना नहीं गाया जा सकता? मतलब अपने एरिया में ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करके उसके सारे गाने हम जानवी से गवाएंगे। क्या आप बिजी हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ऐश्वर्या थोड़ी नाराज हो गई थी इसलिए उसे पटा रहा था। आप यहाँ कैसे? मैं मंदिर गई थी। रोज जाती हैं क्या? हाँ, क्या आप मंदिर नहीं जाते? अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? रोज शाम को अगर बालाजी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन न करूं तो मुझे तो नींद ही नहीं आती है। इतने सालों से यहाँ पर रहता हूँ, ये बालाजी का मंदिर कहाँ है रे? वो बालाजी वाइन शॉप की बात है। तिलक तो लगा लीजिए। नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता, मेरे हाथ खराब है ना। कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ। अब मैं चलती हूँ। लड़की के दिल में जगह बनाने से पहले एक अच्छा सा घर बना ले। अब तेरा ऑर्केस्ट्रा अच्छा चलने लगा है। अच्छा, वो लड़की तो भगवान का प्रसाद देने आई थी। और आप प्रसाद के लिए किसी ने ना कहा था क्या? हमें भी तो देना चाहिए था ना। आप लोग दूर थे ना, उसने देखा नहीं होगा। दूर मतलब दुबई में थे क्या? सामने रखे किसी मूर्ति के तरह तुम दिख गए। हम फालतू लोग हैं क्या जो नहीं दिखे? और तुम भी उसी का सपोर्ट कर रहे हो, उसी के तरफ से बोल रहे हो, और हम लोग यहाँ से तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। अरे इसी को तो प्यार कहते हैं रे। लाखों में भी खड़ा हो तो वही दिखाई देता है, अगल बगल कोई नहीं। प्यार है? सिग्नल भी तो दिया ही है ना। सिग्नल? अरे तेरे माथे पर तिलक लगाने वाली को सिंदूर कब लगाओगे? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, लड़कियाँ इनडायरेक्टली कुछ ऐसे ही बातें करती हैं, हमें भी समझना ही चाहिए। सर कुणाल आ रहा है। नमस्ते सर। क्या सर देखकर भी अनदेखा करके जा रहे हैं? कुछ नहीं, जरूरी मीटिंग में जा रहे हैं। क्या रे? हाँ सही है। तुम कलेक्टर ऑफिस आए थे क्या? कुछ नहीं सर, आपने हमारे एरिया में टॉयलेट बनवाया था ना, उसी के ओपनिंग के लिए कलेक्टर साहब को इनवाइट करने जा रहा था। पैसा लगा इनका और ऐश किसी और की? वहाँ टॉयलेट बनवाया आपने और ओपनिंग के लिए रिबन काटेगा कलेक्टर? क्या है ना सर, इसमें उनका सिर्फ इतना ही हाथ होगा कि वो आके रिबन काट के चले जाएंगे। आपके बारे में ऐसी बात नहीं है सर, आपको तो याद रखने के लिए फोटो लगाएंगे। भाभी जी का भी फोटो दे दीजिए, साथ में लगा देंगे। हमें आप पर ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली पर अभिमान है हम लोगों को। आप पर सिर्फ हमें ही गर्व नहीं है सर, बल्कि पूरी जनता को होना चाहिए। क्या मतलब? तो क्या सभी जगहों पर टॉयलेट बनवाना होगा क्या? ऐसा नहीं है सर, हमें थोड़ा दिमाग से काम करना चाहिए। जरा सोचिए, कलेक्टर को पिटीशन देने के लिए सुबह से लोग बिना खाए पिए कैसे क्यू में खड़े हैं। अगर अभी लोगों को बुलाकर बिरयानी खाने के लिए 100-100 रुपए दे दिए जाए तो उनके सारे वोट हमारे। अरे ये क्या, इलेक्शन के टाइम बिरयानी के साथ क्वार्टर देंगे तो और अच्छा है। क्यों? हाँ, आजकल तो अपोजिशन वाले भी देते हैं सर, आप भी दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये अच्छे के लिए बोल रहा है या हमें डुबोने के लिए बोल रहा है? अगर ध्यान देकर सोचे तो लगता है कि अच्छे के लिए कह रहा है। नहीं भाई, मुझे लगता है। अपना मुंह बंद रखो, मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से। चुपचाप पैसे बांट। कुणाल अपने लोगों को बुलाओ और पैसे दे दो। सब लोग यहाँ आओ, एमएलए जी पैसे और बिरयानी दे रहे हैं। चलो आओ, चलो पैसे। आज आपने बहुत अच्छा काम किया सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। चलता हूँ। नमस्कार। क्या मामू बनाया? गलत समझा था मैंने इसे, कुणाल बहुत अच्छा लड़का है। आने वाले चुनाव में ये 300 वोट हमें ही मिलेंगे। एक वोट भी मिलने वाला नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम भाई? इनमें एक भी आदमी अपने एरिया का नहीं है भाई। आप कहे तो इसे उठा ले क्या? ऑलरेडी उसके हाथों से खाया हुआ मार भूल गए क्या? उसे मारना तुम्हारे बस में नहीं है, मुंबई से बाली को बुलाना पड़ेगा। Hmm?
मजे कैसे आराम से गाने सुन रहा है। हमारा दोस्त होगा गधी को मजे करवा रहा है। वो मुफ्त में खाई जा रही है और हम यहाँ बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये गाना किसने बंद किया? ये गाना बंद कर, तेरा पकाऊ गाना सुन के लाइट चली गई है, सुबह से देख रहा हूँ। ये गाना अब सुना सुना के अब जान ले लेगा क्या? मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। जब से आपने कहा है कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है, तब से मुझे ऐसे ही पुराने गाने अच्छे लगने लगे हैं। अरे तुम पुराने गाने सुनकर देवदास बने बैठे हो, अगर बी चैनल के गाने सुनते ना तब तक तुम्हारा काम बन गया होता, समझे? जमाना फास्ट है। लेकिन मैं उससे कैसे कहूँ? बस इतनी सी बात, एक बेहतरीन आइडिया बताता हूँ, सुनो। क्या क्या? अपना आइडिया अपने पास रखिए। आपका तो दिलीप कुमार हो या शाहरुख खान, बस एक ही स्टाइल है। ये अपने कुणाल को सूट करेगा क्या, मैं बताता हूँ। बताओ। नहीं जानवी, बीच में ही टोक दिया, अभी देखो। अरे जानवी, जब से तुम्हें देखा है तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल में क्या क्या होता है। तुम मेरे अंधेरे दिल में ट्यूबलाइट जलाकर रोशनी कर दो। अरे मेरे सर्च लाइट, आई लव यू। कैसा? नहीं, ट्यूबलाइट कितना तुम्हारी प्यारी आंखें, मुझे बहुत पसंद है जानवी, आई लव यू। नहीं 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 जानवी, वो लाइट की तरह तुम्हारे गोरे गाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू जानवी। नहीं नहीं, मैं कसम, अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो मेरा दिल साउंड बॉक्स के जैसा फट जाएगा, आई लव यू जानवी। वो लड़की क्या विलेन है जो बॉक्स की तरह फट जाएगी? यहाँ लाइट के सामान की जरूरत नहीं है, प्यार में एक स्टाइल की जरूरत होती है, स्टाइल की। अपना स्टाइल अपने पास रख, उसे अपने स्टाइल से बात करने दे, तुम खुद लड़की से बात करो। ऐसी बात है ना चाचा? हाँ ठीक है। कुणाल, रवि, रॉयल सीमा रवि कुणाल से बहुत प्यार करती है। मेरे से भी थोड़ा कर लेना, मैं भी देखूं। इस तरह डर के क्यों दिखा रही है? मैं तेरे को खा जाऊंगा क्या? क्यों, मैं पसंद नहीं हूँ? तेरी वैरायटी अलग है क्या? क्यों, वो बहुत पसंद है क्या? कुणाल के साथ ही शादी करेगी? कभी किसी लड़की को छेड़ा ना तो काट के रख दूंगा। और वो लड़की कौन है पता है? मेरी होने वाली बीवी।
बोतल पे बोतल पिए जा रहा है और यहाँ मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है। पीने के बाद क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामा मामा आप जाकर रुको। चुप रहो। हाँ। एक बार वहाँ पर देखो देखो। सुबह उसका मुंह देखा इसीलिए उसका पैर तोड़कर गले में डाल दिया है। सोचो मैं जाकर उसे समझाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी। बस एक बार सोच करके देखो। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी हालत सोच के हंसी आ रही है। हंसो मत, मैं ठीक हूँ। बातों से ही सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारी तरह एक्शन और ओवर एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अपने बारे में सोचो तुम। मामा सच में बहुत डर लग रहा है। वहाँ देखो देखो वो उस लड़की के घर जा रहा है। जरा उसके तेवर तो देखो, लगता है अभी उसका बैंड बजने वाला है। क्यों रे, तुम अपने आप को मिसवर्ड समझ रही हो क्या? सीधी तरह मना भी तो कर सकती थी। मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो प्यार से रोक सकती थी। इस तरह क्या किसी को सरेआम तमाचा मारा जाता है? लेकिन फिर तो मुझे प्यार से मंदिर का प्रसाद क्यों खिलाती थी? अब समझ में आया कि तू मेरे मुंह पे कालिक पोतना चाहती थी। स्विच ऑन करके माइक टेस्ट करते वक्त 1 2 3 कहकर टेस्ट करते हैं। और तुम्हें तो कौन हो कहां से आओ ये सब जाने बगैर तुमसे शादी करने चला था। ये मेरी गलती थी। ए मैं तुमसे बात कर रहा हूं तुम मुंह वहां घुमाकर स्टाइल दिखा रही हो, याद है? ये कितने का है? 300 रुपए का। 100 रुपए में दोगे क्या? तुम हंस क्यों रही हो? वो क्या है ना, मैंने 200 में मांगी तो मुझे नहीं दी और आप 100 में मांग रहे हैं, इसलिए हंसी आ गई। शायद आपको नहीं दिया होगा, मेरी सूरत देखकर दे देगा वो। हाँ सही बात है, दे ही देगा। फाइनली कितने में दोगे बताओ? कहा ना फिक्स रेट है। हेलो, ये टिकट आपका है? जी हाँ मेरा ही है, थैंक्स। वहाँ बुक देखते वक्त भूल गई। आपके लिए टिकट से ज्यादा जरूरी है वो बुक, कल मेरे एग्जाम में मुझे बहुत काम आएगा। ओ समझ गया। तो बुक आपको ले लेनी चाहिए। लेना जरूरी है, लेकिन 300 रुपए से कम नहीं कह रहा हूँ। तो 200 रुपए में चलेगी ना आपको? ठीक है 200 रुपए दीजिए, मैं 2 मिनट में लेकर आता हूँ। आप अंदर बैठिए, गाड़ी छूटने से पहले मैं लेकर आता हूँ। ओके ये लीजिए आपकी बुक। मैंने मांगी तो मुझे नहीं दी, आपको कैसे दे दी? यही तो मेरी खासियत है। वो सब बातें छोड़िए, ये किताब आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी थी ना, पढ़ लीजिए आप। सुनिए जोश में आके देर रात तक मत पढ़ना, नहीं तो सुबह एग्जाम के वक्त नींद आएगी। अरे आप सो रही थी इसलिए मैं ये किताब पढ़ रहा था। आप इस किताब को इतनी ध्यान से क्यों पढ़ रहे हैं? मैं भी आपकी तरह आईएएस का एग्जाम देने वाला। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी? आप बुरा मान जाती अगर मैं आपको बता देता, इसलिए छुपाई। मेरे पिताजी कलेक्टर ऑफिस में प्यून का काम करते हैं। मैं कलेक्टर बनूंगा कहा तो सब लोग हंस पड़े, प्यून का लड़का कलेक्टर कैसे बन सकता है, इसलिए मैंने सबसे छुपाई ये बात। आईएएस की पढ़ाई पढ़ना सिर्फ पैसे वालों के लिए तो रह गई है, मेरे जैसे गरीब के लिए इतनी महंगी किताब खरीदना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें। वो बुक आपके पास थी तो मैंने सोचा कि इस किताब को मैं थोड़ी देर पढ़ लूँ। सॉरी आपकी नींद खराब की, इसे रख लीजिए। कोई बात नहीं, आप पढ़िए। ओके जानवी, जानवी सुबह हो गई, उठिए। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अरे वो तो एग्जाम खत्म होते ही मैं शाम को चला जाऊंगा ना,
और कहीं रूम किराए पर लूं, इसके लिए जेब में पैसे भी नहीं है ना, इसलिए मैं अभी रेडी हो गया हूँ। ठीक है, मैं अभी तैयार हो गया। हाँ, जल्दी आइएगा, स्टेशन आ जाएगा। मैं और सूर्या पढ़ाई कर रहे थे, 11 बजे हमारी एग्जाम शुरू होने वाली थी। इतनी ही देर में पता नहीं कुछ गुंडे वहाँ पर आ गए और दंगा फसाद शुरू हो गया। अब क्या करें? बाहर चल के सोचते हैं। चलो। सिंगल रूम नहीं है, डबल रूम है, चाहिए क्या? कोई बात नहीं, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। ठीक है, दे दीजिए। यहाँ पर एड्रेस लिखिए, रूम का 300 रुपए। 200 में नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है करता हूँ। हाँ, चलिए, नसीब से एक रूम तो मिला। कहाँ से आया रे? वैजाग से। क्यों, वैजाग में रूम नहीं मिलते क्या जो हैदराबाद आया है? सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, क्या तेरी बीवी है? नहीं सर, सिर्फ फ्रेंड है। फ्रेंड है? हाँ। फ्रेंड है या कौन है? चल, तेरे को अंदर पुलिस स्टेशन में बताता हूँ। चल 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 चल, बस आपको बोलना, चल आपको बोलना, चल 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 आपको बोलना। कोई दूसरा काम नहीं है तुमको, इडियट्स। स्पेशल लगता है इस धंधे में नहीं आई हो। सर, हम यहाँ एग्जाम देने आए। अरे रे 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 रे, इस धंधे में एग्जाम भी लिख रहे हो क्या? सर, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, अब मैं गलत कह रहा हूँ। एग्जाम देने आए हो और पकड़े गए, कोई नया बहाना नहीं मिला तुम्हें? एक सेकंड सर, सर सर, हम वाकई एग्जाम देने आए हैं सर, सच कह रहा हूँ सर। सर सर, वन सेकंड सर, ये देखिए हॉल टिकट। एग्जाम देने आए हो? हाँ सर। वो भी आईएएस का? जी सर। मुझसे भी बड़ा बनना चाहते हो? ऐसी नकली हॉल टिकट कितनी चाहिए तुझे? तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो सुबह एग्जाम सेंटर पे छोड़ दूंगा। बोला ना, सुबह तुम्हें एग्जाम सेंटर पे ड्रॉप कर दूंगा। मेरे दिल की आग बुझा दे। फोटोग्राफर को बुलाओ, इनके साथ इसकी भी फोटो खींचो। देखता हूं बहुत सती सावित्री बनती है।
व्यभिचार करने के केस में पकड़े गए जानवी सूर्या ने इनकी कोई गलती नहीं है ये सबके सामने साबित कर दिया है। ये यहाँ आईएएस का एग्जाम देने आए थे इसलिए अदालत उन दोनों को निर्दोष मानते हुए बरी करती है और उन पर लगाए हुए इल्जाम को वापस लेती है। अधिकारियों ने अपने खुद के फायदे के लिए इसका दुरुपयोग किया है इसलिए दोषी पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाता है। चली जाओ यहाँ से। जब से तुम्हारे बारे में पेपर में पढ़ा है तब से पूरे एरिया के लोग हमारे ऊपर थूक रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जानवी चलो मेरे घर चलो। देखो बेटी जो भी हुआ उसे भूल जाओ, पुरानी बातें याद करके दुखी मत हो। इस दुनिया में बुराई देखने वालों को अच्छाई नहीं दिखती। तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है ऐसा मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसे अपना घर समझो। खुश रहो बेटी। आज से इस घर को अपना ही घर समझो बेटी। और उस दिन के बाद मैं सूर्या के घर में रहने लगी। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और एक दिन जानवी ये एप्लीकेशन भर दो। हाँ कलेक्टर बनने के लिए कोचिंग सेंटर से एप्लीकेशन लाना मुश्किल हो गया है। ये क्या एक ही एप्लीकेशन क्यों? एक घर में एक ही कलेक्टर बहुत है ना। सूर्या मजाक मत करो, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तुम कैसे भी पूछो ये सच है जानवी, एप्लीकेशन लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम दोनों में कोई एक ही आईएएस बन सकता है। मेरे घर की हालत ऐसी है कि एक ही की पढ़ाई हो सकती है। पैसों के लिए बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिले, इस पैसे में दोनों नहीं पढ़ सकते इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए एप्लीकेशन लाया हूँ। पर इन पैसों से तुम पढ़ सकते हो ना? मैं पढ़ूंगा तो मेरा स्वार्थ होगा, तुम पढ़ोगी तो तुम्हारा इस घर में मेरा ले आना सफल होगा। इसलिए तुम पढ़ोगी और मैं जॉब करूंगा। लेकिन आईएएस बनने का तुम्हारा सपना भी तो है। था तो क्या हुआ, तुम बन गई तो मैं बन गया। अगर मैं पढ़ूंगा तो सूर्य आईएएस मेरे नाम के पीछे यही तो लगेगा ना। लेकिन तुम पढ़ोगी तो जानवी सूर्या आईएएस हम दोनों के नाम पर लगेगा। वैसे भी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़े रहना है मुझे। जानवी मेरे सपने को तुम जरूर पूरा करोगी ऐसा मैंने फैसला किया है, करोगी ना? सरो इसे लेकर यहीं रुको, मैं आता हूं। कहां जा रहे हो? बहुत बातें करती हो तुम। आ रहा हूं ना। ऐसे नो मैंने जो कहा था रेडी है ना? रेडी है सर। ला दो। अरे देख के चलना पागल कहीं के, पागल की तरह कर। मेरे दिल में रहेगा, मेरे लिए ये नौकरी आईएएस के दिन शब्द ही नहीं है। ये सूर्या का सपना है जो मुझे सच करना है।
इस जन्म में हम दोनों साथ नहीं रह पाए तो क्या हुआ? सूर्या के सपने को सच करना यही मेरा लक्ष्य है। मैं उसी के सहारे जी लूंगी। मैं नहीं चाहती कोई उसके बीच में आ... कुणाल को खत्म करने के लिए सही आदमी को लाया हूं। ये कौन है? ये क्या मजाक कर रहे हो? मुंबई के पहलवान बाली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में 2 महीने लगेंगे और ये क्या हड्डी जैसे ढांचे को उठा लाए? हटाओ इसे, ये तो हवा में उड़ जाएगा, ना जाने कहां से लेकर आ गए। अरे ये क्या कर दिया? अच्छे खासे घर को बर्बाद कर दिया। कुणाल को मारने के लिए यही परफेक्ट है। एक मिनट, आपने मेरे टैलेंट का अपमान किया है, अब मैं आपकी डील को कैंसिल करता हूँ। अरे फिर क्यों इतने महंगे सामान को तोड़ दिया? बीमारी और कमजोरी को नहीं छुपाना चाहिए और अपनी विद्या को जरूर दिखाना चाहिए। क्या कहूँ? अरे ये कौन था जो सुनामी की तरह आया और तोड़ फोड़ के चला गया? मैंने पहले ही कहा था कि माइक सेट वाले को 5,000 दे दो, लेकिन आपने सुना ही नहीं। देख लिया, अब एमएलए की रही सही इज्जत भी चली गई, एक ट्रक सीमेंट भी गई, लोकल गुंडे गए, हैदराबाद का बाली गया, अब आया था वो ब्रूसली, तोड़ फोड़ के चला गया वो अलग, कुल 3 लाख का नुकसान हुआ है हमारा। अरे मेरी बात सुनो, वो कुणाल से पंगा लेना छोड़ दो भाई, नहीं तो 5 के पीछे हमारे 50 जाएंगे। ये कपड़ा किसने रखा है? ये कपड़ा उस आदमी ने रखा है। बस के अंदर कोई भी नहीं है, खराब है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, अभी गाड़ी में बैठो। उस लड़की के बारे में सब कुछ जानते हो फिर भी उससे प्यार करते हो? ये बात नहीं है चाचा, जब से उस लड़की के दिल की बात पता चली है मैं अपना प्यार भूल गया हूँ और उस लड़की को आईएएस की पढ़ाई करने में उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात उसकी समझ में ही नहीं आती है। हेल्प का मतलब समझ में नहीं आया, तुमने बस क्यों खाली कराई थी? तो फिर हेल्प मतलब अपने मन से कुछ भी मत करना, उस लड़की को जो पसंद है वो करना। क्या करूं बताइए ना? क्या आपको ये सब मजाक लग रहा है? आईएएस बनना इतना आसान है क्या? अरे रे रे साहब आप गलत मत समझिए, हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, हमारे एरिया में एक लड़की पढ़ती है उसके लिए है। आईएएस पढ़ने की समझ है उस लड़की में? मैं आपको बताता हूँ सर, वो लड़की सुपर है सर, गाना तो क्या गजब का गाती है। अच्छा गाने गाती है? हाँ सर वो बहुत अच्छा गाती है सर। कोरस में गाना गाती है सर, ये पढ़ाई भी करती है, बहुत अच्छा गाती है सर। ए बताना बता। हाँ सर गाती है सर। क्या बोल रहे हो, वो गाती भी है और पढ़ती भी है? आईएएस बनना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। उसे बोलो कि गाना गाना छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ सर नई लड़की गाने वाली है सर। हाँ डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर ने ओके कहा है सर। एक मिनट सर सुनो जानवी। सर कोरस गाने वाली है, ये सोच करके घबराइए मत, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। वो जरूर आशा जी लता जी के लेवल तक जाएगी, उसका गाना जरूर हिट होगा। ओके सर, मैंने सोचा था कि तुम्हें खुद फोन करूं। सॉरी सुनो आज के बाद स्टूडियो में मत आना। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा है कि रिकॉर्डिंग में तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझसे कोई गलती हुई क्या सर? गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे एरिया की है। म्यूजिक डायरेक्टर को सुरों के बारे में पता है, गुंडागर्दी के बारे में नहीं। तुमसे गाना गवाया तो हारमोनियम बजाने के लिए उंगलियां नहीं बचेंगी, ऐसा बोला है उन लोगों ने, इसलिए मना किया है। ये लो दीदी
आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए कुणाल भाई ने राशन भेजा है। और कुछ चाहिए होगा तो लिख के भेज देना, भेज देंगे हम। वो क्या पागल हो गया है? ये सब करके मुझे परेशान क्यों कर रहा है? क्या मेरे दरवाजे पर कोई बोर्ड लगा है कि मुझे मुझे मदद की जरूरत है? महीने का सामान भेज के हमदर्दी जता रहा है। आइंदा मेरे घर के आसपास नजर आए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अब चलो जाओ यहाँ से। जितना अपमान हुआ क्या कम हुआ? मेरा तो खून खौल रहा है। आखिर उस लड़की के आगे वो इतना झुक क्यों रहा है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कुणाल से इतना प्यार करती हूँ और वो उसके पीछे पड़ा है, मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहा? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्यार की जीत होगी। तुम्हारे पिलाए दारू की कसम। तूने कसम क्यों खाई? दारू तो माता समान है, तुम्हें जो हेल्प चाहिए हम करेंगे। हेल्प तो ठीक है लेकिन करना क्या होगा? वो सारी आइडिया मैं देता हूँ लेकिन तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। कुणाल के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पहले कपड़े उतारो। अरे मारती क्यों हो? पहले पूरी बात तो सुनो। कुछ बताते वक्त बीच में रुका मत कर बेटा। सुनो बेटी, देखो तुम ये खाकी वर्दी पहनकर तनी हुई घूमती हो, मर्दों की तरह कपड़े पहनती हो, मर्दों की तरह रहोगी तो कौन सा मर्द तुम्हें प्यार करेगा? मेरी बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस रही है कि नहीं? हाँ तो मैं क्या करूँ? तुमको औरत भी तो दिखना चाहिए ना। मतलब? मतलब फुल पैंट शर्ट पहनना छोड़ के बच्चे के ड्रेस शॉप में जाओ, वहाँ छोटे छोटे सुंदर सुंदर ड्रेस मिलेंगे, फिर वो ड्रेस पहनकर कुणाल के सामने आना, फिर देखना माइक तो क्या पूरा साउंड सर्विस तुम्हें दे देगा। ये क्या होलिया बना रखा है? ऐसे कपड़े पहनूंगी तो तुम शादी करोगे ना? किसने कहा कि ऐसे कपड़े पहनोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा? वो सब जाने दो ना, अब तो आई लव यू कह दो मुझे। क्या कहा? लव? अगर तुमसे प्यार होता तो कब का आई लव यू बोल चुका होता। प्यार जो होता है ना वो दिल से निकलता है, ऐसे जिस्म देख के नहीं होता। जाओ ये छोटी ड्रेस पहनना छोड़ के यूनिफॉर्म पहनो, जाओ। रे 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 रे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब वो अकेला हो तब पहनने के लिए कहा था तुम्हें, ये क्या सबको दिखा दिया? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्टॉप इट। प्यार क्या होता है तुम्हें खुद नहीं मालूम है? तुम्हारा आइडिया ही बेकार था। अरे ये गलती हमारी नहीं, उसने पोलियन का देखी है, उसी कारण गलत सला दिया। अगर ओल्ड मार्क पिलाओगी ना तो सुपर आइडिया दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं यूनिफॉर्म में अच्छी लगती हूँ, कुणाल ने कहा है। उसे कैसे लाइन पर लाना है मुझे पता है। मामा पुलिस को सीख देना बेकार है। बच्चे की तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ जी, आपकी मेहरबानी से ठीक है। ये लो तुम्हारी चेन, बच्चे का ख्याल रखना। हाँ ठीक है। क्यों माँ, गहने गिरवी रखने का धंधा शुरू कर दिया क्या? अरे नहीं रे, उसके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे जल्दी से पैसे की जरूरत थी। मारवाड़ी के पास चेन गिरवी रख के पैसे लेने जा रही थी। दवाई के पैसे मैंने दे दिए तो जबरदस्ती चेन मेरे हाथों में रखकर चली गई। अगर कोई जबरदस्ती मेरे हाथ में चेन दे तो मैं क्या करूँ? वो अपना गांव छोड़कर यहाँ पर धंधा करने के लिए आया है, उसके पेट पर लात क्यों मार रही हो? जैसे वो मारवाड़ी अच्छा है। बिचारी जानवी के पास नौकरी नहीं थी, बहुत तकलीफ में थी, चेन गिरवी रखने उसके पास गई तो मालूम है 10% ब्याज लगाया उसने। क्या वो अच्छा इंसान है? बहुत ही कमीना है। ये आपने जो गहने गिरवी रखे थे चेक कर लीजिए ठीक से है या नहीं। लेकिन आप ये वापस क्यों कर रहे हैं? आपके पैसे तो खर्च हो गए, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। अरे मेरी माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पहले आप अपने गहने लीजिए, नहीं तो एरिया में बिजनेस नहीं कर सकता। दिखने में तो अच्छी लड़की लगती हो, तभी गहने लेके पैसे दिए। तुम्हारा कुणाल के साथ संबंध है, अगर ये पता चलता तो तुम्हारे ये गहने में कभी नहीं लेता। पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो रास्ते में देखने वाले लोग गलत समझने लगते हैं। आप दोनों का क्या रिश्ता है? कुणाल, तुम्हें इंस्पेक्टर साहब ने बुलवाया है। किस लिए? तुम्हारी कंप्लेन आई है। मेरी कंप्लेन लिखवाने की हिम्मत किसने की? किसी जानवी नाम की लड़की ने, उसी ने कंप्लेन की है। मैडम, यहाँ जानवी कौन है? मैं हूँ। मैं LIC ऑफिस से आया हूँ। सूर्या जी ने अपना इंश्योरेंस कराया था, नॉमिनी में आपका नाम दिया था। उनके घर गया तो वहाँ से पता चला कि आप यहाँ रहती हैं। यहाँ साइन कर दीजिए।
ये क्या जानवी, तुम अच्छी लड़की हो, ऐसा मैं हमेशा सोचती थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुणाल की कंप्लेन की तो आपको बुरा लग रहा है, आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? क्या कहूँ बेटी, दिखने में तो वो गुंडे जैसा दिखता है लेकिन हमेशा दूसरों का भला ही करता है। हर माँ को अपना बेटा प्यारा ही लगता है, उसकी सारी हरकतें अच्छी ही लगती हैं, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने? एक दिन अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ गुंडों से कह दिया कि मैं कुणाल की बीवी हूँ। अब वो सबसे कह रहा है कि मैं उसकी बीवी हूँ। मेरी नौकरी छुड़वा दी, मारवाड़ी को पीट के मेरे गहने वापस करवा दिए। ये सब मैंने तो नहीं कहा था, मैं इज्जत से जी रही थी, मुझे बाजार में खींचा। ये देखिए सूर्या के इंश्योरेंस के पैसे। जिससे प्यार किया वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये पेपर गवाह है। इन पैसों से मैं IAS पढ़ सकती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। एक लड़की के दिल को समझे बगैर उससे प्यार करना, ये तो बेवकूफी है। उसका होना ना होना एक सा है। आगे मत बोल, उसके बारे में तुम जानती क्या हो? लड़की के दिल को ना समझने वाला इतना बुरा नहीं है मेरे बेटा, तुम गलत समझ रही हो। सब समझते हैं कि कुणाल को मैंने ही जन्म दिया है, लेकिन सच बात तो ये है बेटी, जिंदगी में बिना सहारे के जीने से तंग आके मैं खुदकुशी करने जा रही थी। इस उम्र में आपको आत्महत्या की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी क्या बात है? मेरे बच्चे ही मेरी आफत बने हैं बेटे। मेरी 3 लड़के हैं, बचपन में ही उनके पिताजी चल बसे, उसके बाद उन्हें पालने में मैंने बहुत तकलीफें झेली। अब वो पढ़ लिख के अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अपने बीबी बच्चों के साथ बहुत खुश है, लेकिन अब मुझे एक निवाला खिलाने में भी उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है बेटे, क्या बताऊं तुम्हें। मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद तो मेरी लाश को म्युनिसिपैलिटी वाले को फोन करके लावारिस की तरह ले जाने को कहेंगे, यही मुझे डर लगा रहता है। अपनों के बीच लावारिस लाश बनकर रहने से तो अच्छा है किसी को बिना बताए चुपचाप मर जाने का फैसला मैंने किया। मुझे तुमने क्यों बचाया? आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते इसलिए आप दुखी हैं, और मैंने अपने जन्म देने वालों को नहीं देखा इसलिए मैं दुखी हूँ। क्या आप मेरी माँ बनकर रहेंगे? बच्चों को गोद लेने वाले माँ बाप तो देखे थे, लेकिन माँ को गोद लेने वाला बेटा भी होता है। ये माँ को गोद लेने वाला कुणाल बेटा है। मेरे बेटे कुणाल को गलत समझ रही हो, उसे समझ नहीं पाई तुम। ये क्या, जब चाहोगी कंप्लेंट दोगी और जब चाहोगी वापस लोगी, और कोई काम नहीं है क्या? सर आप जाकर बिन लादेन को क्यों नहीं पकड़ लेते? ए अपना मुंह बंद रखो, जब से आए हो बकवास किए जा रहे हो। रुकिए मैं इंस्पेक्टर से मिलके आता हूँ। ए गोपाल इसे छोड़ दो, ये लो और इस पर साइन कर दो। आपकी माँ ने कहा इसलिए कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। केस वापस नहीं लेती तो क्या होता, शाम तक ये लोग वैसे भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोड़ देते और कहते जाओ अपने घर जाओ। तुमने बेकार में टाइम पास किया, घर जाके पढ़ाई करो। चल भाई चलता हूँ। फिर मत आना यहाँ, दिमाग खराब कर दिया। मैडम तुम एक बार साहब से मिलके जाओ। कहते हैं कि धरती गेंद की तरह गोल है, लेकिन इतनी छोटी गेंद होगी। पुलिस स्टेशन में बिछड़े थे, फिर पुलिस स्टेशन में मिल रहे हैं। एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने सस्पेंड हुआ हूँ। मुझे सल्यूट करने वाले सभी को अब मैं सल्यूट कर रहा हूँ। हर सल्यूट मारते वक्त मुझे कौन याद आता है पता है? तुम। गलती किए बिना सजा पाई मैंने, काटी हुई सजा का फायदा तो मिलना ही चाहिए ना। उस दिन तो बच गई, अब नहीं बचेगी। डर रही हो?
तुम्हारे हाँ कहने तक तुम्हें नहीं छूंगा, लेकिन तुम ना कहो ये भी नहीं चाहूंगा। जाओ। ए हिगड़े सर, ये सीता देवी है, इस पे नजर रखना। अगर ये सीता देवी है तो आप राम हैं क्या? मैं राम? रावण हूँ। चाचा क्या है? ड्रामा करने वाले हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। कैसे? रावण के 10 सर होते हैं और ये लोग हम लोगों को 9 ही दिखा रहे हैं। काउंट करके देख लो। 10 सर तो हैं कुणाल। चाचा तुम नशे में बात कर रहे हो, चाहो तो शर्त लगा लो क्वार्टर की। क्वार्टर जीतेगा लगता है। मन ही मन में क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, गिन रहा हूँ, गिन रहा हूँ। हाँ तो शर्त लगा लो, गिनती करो कितने सर हैं। अगर शर्त लगाऊंगा तो ये इस बार भी जीत जाएगा। हाँ 9 सर तो हैं कुणाल। थू! एक क्वार्टर दारू के लिए 10 सर को तुम 9 सर बता रहे हो, लानत है तुम्हारे ऊपर। चित भी इसकी पट भी इसकी समझ में नहीं आता। मैं आता हूँ। हाँ जाओ। पता था अपने इस दिमाग से काम लेकर तुम कुछ गलत ही करोगी। यहाँ से बचकर कहाँ जाओगी मुझे तो अच्छी तरह से मालूम है। क्या है कि आईएएस करने के बाद तुम्हें यहीं आना होगा और उसकी खबर तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन एग्जाम दिए बगैर तुम वापस नहीं आ सकती, मुझे यह पता है। एग्जाम से पहले का एक दिन का वक्त देता हूँ। फिर से कहता हूँ, तुम्हारे हाँ कहने तक तुम्हें छूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी ना भी नहीं सुनना चाहूंगा। ये कहां चला गया? के सारे मुखटे पकड़ के लेके आया हूं। सर मैं सभी को लेकर आया हूं। राम अग्नि युद्ध का नाटक है क्या? मैं भी अच्छी एक्टिंग करता हूं, करके दिखाऊं क्या? तो फिर मैंने पूछा क्या? तो फिर गाना गाऊं क्या? रामा क्या करें आप ही बताइए सर। मारू क्या? कमाल करते हैं सर, अगर आपको मारेंगे तो पुलिस को मारने के जुर्म में आप हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। जितना कह रहा हूं उतना ही करो। क्या रे, ये तू मुझे मार रहा है, मुझे लग भी नहीं रही है। अच्छी तरह से मार। सर नाटक में ऐसे ही मारते हैं और आवाज पीछे से आती है। सर ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ ओरिजिनल में आवाज आनी चाहिए। मारो सर। मार। दुष्ट कहीं के, मूर्ख कहीं के, देख अब मेरी मार। गाली क्यों दे रहा? सर मारते वक्त इमोशनल हो गया था इसीलिए गाली निकल गई। सॉरी, ठीक है मारो। अरे दुष्ट रावण
माँ सीता की इज्जत पर हाथ डालने की तेरी मजाल। ये क्या सर, आप ही ने मारने को कहा था, अब क्यों मार रहे हैं मुझे? डायलॉग नहीं बोलना, मारने के लिए कहा। इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम में से कोई नहीं है। अभी तो हम सब मिलकर मारे हैं आपको, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मारा है, लेकिन तुम में से किसी ने नहीं मारा है। ये क्या, इसमें से किसी ने सांप को नहीं मारा है? उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ के लाऊंगा। मैंने उसे पहचाना है। सच कहा आपने? वो हनुमान के भेष में कुणाल था, ये इस लड़की को बहुत टॉर्चर कर रहा था, मैंने कुणाल से कहकर इसे फंसवा दिया। क्यों भाई, यहाँ इम्पोर्टेड एम्पलीफायर की कोई नई दुकान खुली है क्या? ओके बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कहा था ना मेरा पीछा मत करना, समझ में नहीं आता? पुलिस कंप्लेन के फिर भी नहीं सुधरोगे। वो बात नहीं है, मैं तो यहाँ। अब तुम कहोगे तुम्हारी मदद के लिए आया था, यही कहोगे ना? देखो मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अगर सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। कुणाल भाई, ये लड़की आपको इस तरह से क्यों बोल रही थी? मुझे देखकर तो क्या प्यार करेगी, चलो अपना काम करते हैं। इन सब मुखौटों को गली गली ढूंढकर मैं ही लेकर आया हूं। हाँ, इनमें से कोई नहीं है। अरे नहीं भाई, आप तो बड़े महान हो। भैया जरा वहां देखो, अपने एरिया में बाहर का आदमी आया है, चल के हम लोग उसके सामने बैठते हैं। अरे कमाल है भाई, आप कुणाल के लेफ्ट हैं, टॉप हैं, बॉटम हैं, राइट हैं, लेफ्ट हैं। हाँ चल फिर आइए ना। अरे आप उसके नकल उतारो। ऐसे चाय दे रहे हो? चाय वाले हॉर्लिक्स स्ट्रॉन्ग भाई के लिए, आप ही के लिए, आप ही के लिए। चाय कैंसिल। अरे मेरा मुंह काला हो गया, वो तो उठकर चला गया। मैंने राइट देखा, लेफ्ट देखा, अब बाप रे कमर टूट गई। चाय पिलाने का स्टाइल बढ़िया है। वेरी गुड वेरी गुड। कल एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ, वेरी गुड। घर के सभी लोग घर से बाहर गए हुए हैं, उन्होंने ही अरेंजमेंट किया। तुम्हें तो इस सब की आदत नहीं है ना, लेकिन मुझे है।
जाके पानी लेकर आओ और हाथों से बैग बनाओ, नशा चढ़ जाएगा। जाओ जाओ। तुम इतनी आसानी से। कहे कौन हो तुम? कुणाल। ओ, इस इलाके में गुंडागिरी तुम ही करते हो? मैं गुंडागिरी नहीं करता सर। तो आप प्लीज जाइए यहाँ से। तो क्या मैं करता हूँ क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा सर, आप जाइए यहाँ से। नहीं 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 नहीं, बताओ बताओ तुमने मुझे गुंडा कहा ना? मैंने नहीं कहा सर, आप समझ नहीं रहे। मैं नहीं समझ रहा। ये पता है ना पुलिस की मार, अच्छो अच्छो के मुंह खुलवा देती है। कोई बात नहीं सर, आप जाइए यहाँ से। ए क्या बाटा करे? देख ली ना कुणाल की मार, आप तो अच्छी तरह समझ गए होगे या आप भी नहीं समझे। अगर दोबारा कभी ऐसा किया ना तो फाड़ के रख दूंगा। कुणाल, स्वामी ब्रह्मोत्सव के वक्त लाइटिंग करने आया करते थे, इतने दिनों बाद अचानक। कुछ नहीं पंडित जी, आज मेरे पहचान की एक लड़की कलेक्टर का एग्जाम दे रही है, उसके लिए उस लड़की के नाम पे पूजा करवाने आया। ओहो, बहुत अच्छी बात। हाँ। सुनिए पंडित जी, हाँ? चार मंत्र ज्यादा पढ़ के लड़की के पास होने की प्रार्थना। हाँ, करना। क्या कर रहे हैं? चलिए इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। नहीं मुझे जाने दीजिए प्लीज। सर जाने दीजिए सर। मैडम 10 मिनट मैडम, इंस्पेक्टर साहब से मिल लो फिर चली जाना। मुझे जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है, मेरे एग्जाम्स हैं। इज्जत से कह रहा हूँ तो सुनती नहीं है। चल छोड़ो मुझे, छोड़ दो, बचाओ। Thank you.
ये क्या बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। हाँ कुणाल, तुम्हारे सिवा कौन है हमारा? तुम्हारे जान से ज्यादा प्यारी है क्या वो लड़की? वही तो मैं भी कह रहा हूँ चाचा, उस लड़की का हमारे सिवा और कौन है? तो क्या उसके लिए तुम अपनी जान भी दे दोगे? जाने दो ना चाचा, अपने लिए कौन सी नई बात है, हमने कई लोगों के लिए लफड़े किए हैं, ये लड़की की पढ़ाई का सवाल है, छोटा सा घाव है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की तुमको अभी तक नहीं समझी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। LIC का भी सारा पैसा तुम्हारी वजह से ही उसको मिला है, ये बात जानते हुए भी वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचती। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कुणाल? मैं उसे दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ चाचा। तिरुपति आदि मंदिरों में लोग लाखों करोड़ों रुपए का गुप्त दान करते हैं, वो पैसे डालने वाला चोर है, सेठ है या मुझ जैसा सनकी कोई नहीं जानता। इतने सारे लोग भक्ति भाव से हमेशा भगवान को कुछ न कुछ समर्पित करते रहते हैं। मैंने भी एक बेसहारा लड़की की छुपकर मदद करनी चाहिए चाचा, जिसे जो सोचना है सोचता रहे, बस वो लड़की सुरक्षित रहे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप अच्छे से एग्जाम देना। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, एक झगड़ा हो गया था छोटा सा, सामने वाले ने वार किया, मेरे पेट पर घाव लग गया, कोई खतरा नहीं, डॉक्टर ने चेक किया है। अब तक अपनी ताकत दिखाए, अब पुलिस की ताकत दे। कुणाल साउंड सर्विस के नाम पर गांजा सर्विस कर रहे हो? ए, इसने गांजा कहाँ छुपाया है? सब लोग ढूंढो। देख क्या रहा है तू? 100-100 रुपए में भाड़े पे माइक देने वाले तू इतनी मस्ती में है तो सोचो खाकी वर्दी पहनने वाले की ताकत क्या होगी। सर यहाँ पे है गांजे के केस में बेल नहीं होती, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब तुझे कौन बचाएगा? गांजा है कहकर यहां तक तो आ गया और फटाक से अपना हाथ ग्रीस में डाल दिया। अब ये अपने मुंह पर लगा लो, बहुत अच्छा लगेगा। खाकी वर्दी पहनकर 100-200 रुपए की भीख मांगने वाले जब तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है, तो मेहनत करके कमाने वाले मेरे अंदर कितना दिमाग होगा रे? अब तुम्हारा बोया हुआ गांजा तुझे ही फंसाएगा। क्या बोल रहा? आवाज कम कर, वहां देख। ये क्या, गांजे का धंधा करने के लिए तुम्हें खाकी वर्दी मिली है? नो 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 सर, तुम्हारे घर से गांजा मैंने खुद बरामद किया है, चलो जीप में बैठो। और सर, गांजे का केस है, बेल भी नहीं मिल पाएगी, जिंदगी भर सड़ना पड़ेगा, जा जा।
कांग्रेचुलेशन जानी। थैंक यू सर। आपकी वजह से हमारे स्टेट को पहली बार इतना बड़ा गौरव मिला है। अपने देश में बहुत टैलेंट पड़ा है लेकिन सही वक्त पर उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो। तुम्हें कुणाल जैसा मदद करने वाला इंसान मिला, तुम बहुत नसीब वाली। तुम्हारे लिए कुणाल ने जो मेहनत की है उसे जाया मत करना। वो वाकई दिल का बहुत ही अच्छा आदमी है। बेस्ट ऑफ लक, कोई जरूरत हो तो बताना। क्यों बेटी, कुणाल को ढूंढ रही हो? सबको स्वीट बांट रहा है, तुम्हारे पास होने की खुशी में शोरगुल कर रहा है। इसी खुशी में सबको अन्न दान कर दूंगा कहकर मंदिर गया है, वहीं होगा। जानवी, अच्छी हो ना बेटी? आप कैसे हैं? हम बहुत खुश हैं बेटी। दरअसल मैं भी आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहती थी। कुणाल की माँ ने हमें सब कुछ बता दिया बेटी, हम उन्हीं के घर से आ रहे हैं बेटी। हाँ बेटी, जब से तुमने कुणाल को हमारे बारे में बताया उस दिन से लेकर आज तक उसने हमें कोई भी तकलीफ नहीं होने दी। भगवान ने हमारा बेटा तो छीन लिया लेकिन कुणाल हमारा बेटा बनकर आया जानवी। तेरा सपना पूरा करने के लिए काली हमेशा दोस्त बनकर आ गया है, वही अगर तुम्हारा पति बनेगा तो तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हारे लिए उसने जो तकलीफें उठाई हैं उसके लिए तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम बहुत खुश रहोगी बेटी। तुम IAS पास हो गई ये पता चलती वो तुमसे ज्यादा खुश हो रहा है बेटी। बेटी तुम्हें वो पसंद है ना? अपने मुंह से बताओ बेटी। जल्दी से पंडित जी को बुला के कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दे, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपकी पहचान में कोई पंडित है तो बुलाइए। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, जानकी तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार है। सच में? हाँ बेटा, अभी हम दोनों जानवी से बात करके आए हैं, वो शादी के लिए राजी है। अरे रे 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 रे, देखो कितना शर्मा रहा है। बधाई हो, तुम्हें जान से ज्यादा प्यार किया, उसी दिन से दुआ है तुम शादी करके 100 साल खुशी से रहो। मेरा प्यार सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा प्यार तो सफल होना चाहिए। मैं तुम्हें बददुआएं दूंगी ये मत सोचना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगी? मैं उस कैरेक्टर की नहीं हूँ, मेरी पुरानी आदत है जो सामने है उसके साथ एडजस्ट हो जाऊं। कोई ना कोई तो मेरी किस्मत में होगा। हो सकता है पुलिस फोर्स में ही मिल जाए। ग्रेट, अब तो कलेक्टर तुम्हारी बीवी बनेगी। बेस्ट ऑफ लक। तो मैं चलती हूँ। हाँ, सब कुछ जरा ध्यान से रखना है। हाँ। आइए आइए, आप शादी में आए, आपका बहुत स्वागत है। अरे, मामा जी। ए, भाई कितनी देर से रिपेयर कर रहे हो, ऐसे लाइटिंग होती है? चलो उधर, अपनी दुकान का नाम खराब करके रख दोगे। चलो जाओ। आइए अरे मेरी बीवी कहाँ पकड़ रहा है तू? छोड़ छोड़, लाइट ठीक से लगाना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? नीचे उतर, नीचे उतर। क्या है? सुनो, गांव में सबके शादी में तुम मंडप सजाते हो, अपनी शादी में भी सजाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तू जाके तैयार हो। अरे मैं तो पहले से ही तैयार हूँ यार। वो कोई साधारण लड़की नहीं है, कलेक्टर है, जाकर दाढ़ी बना। तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, उतारू क्या? अरे नहीं रे, तुम्हें हमारी नजर न लग जाए। चुप रहो मामा, कुणाल को नजर न लगे इसलिए तुम्हें हमेशा बाजू में रखता है। लेकिन आज सचमुच में कमी है। जरा इधर घूमो, थोड़ा इस तरफ। क्या कमी है?
पेन किधर मिलेगा? अब ठीक है, सुपर लग रहा है एकदम। इस गेटअप में जब जानवी तुम्हें देखेगी तो कलेक्टर बीवी को कलेक्टर मियां मिला ये कहकर खुश होगी। अरे मदन तुम यहाँ आओ, मैंने सारा मंडप ढूंढा, वहाँ बहुत काम पड़ा है, आओ जल्दी। अरे अरे चलो चलो। सुनिए जजमान, मैंने बहुत बार देखा है। शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन को आप जल्दी से मंडप पे बुलाइए। शादी के लिए कार रेडी है ना? अरे क्या कर रही हो तुम लोग, चलो जल्दी तैयारी करो, आ जाओ। सभी लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जिन हाथों से मंगलसूत्र बांधना था उनसे बोर्ड टांग रहा हूं इसलिए क्या? देखने वालों को ये कपड़े साधारण से दिखाई देंगे, लेकिन इनमें आपको प्यार करने वाला सूर्य अब भी जिंदा है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। कलेक्टर से शादी कर रहा हूं ना, तो एक लेवल मेंटेन करना चाहिए, इसलिए लोगों ने मुझे सूट बूट पहना दिया। मुझे अच्छी ड्रेस में देखकर कह रहे थे कि आप भी बहुत खुश होंगी, इसलिए ये कपड़े पहनकर मैं आपको दिखाने के लिए यहां पर चला आया। तुम्हारे लिए मैं आईएएस बनी हूं, तुम्हारा जो सपना था वो मैंने पूरा किया, और उसी सपने की वजह से मैं आज कुणाल के साथ शादी करने को तैयार हो गई। लेकिन उसने तुम्हारे मां बाप की सेवा अपने मां बाप की तरह की है, मैं शादी के लिए मना नहीं कर पाई, मैंने उसका हमेशा अपमान किया, लेकिन उसने हर बार आईएएस बनने में मेरी मदद की, मैं कोई फैसला नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। इस जन्म में तुम्हारे अलावा किसी और को पति नहीं मान सकती। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर तुम मेरी मदद के बदले में शादी कर रही हो तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा मत करो। प्यार अलग चीज है, कर्जा चुकाना अलग बात। मैंने तुम्हारी मदद की है बदले में कुछ पाने के लिए नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये व्यापार हो जाएगा। अरे हमारे दूल्हे मियां कुणाल को क्या हो गया, वो इस रूप में क्यों? दुल्हन को ले जाने आया होगा, वो हम सब कर लेंगे, तुम जाकर तैयार हो जाओ, जाओ। तुम चलो यार। अरे जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएंगे। ये क्या किया कुणाल, यहाँ तो कुणाल का नाम होना चाहिए, गलती से सूर्या का नाम कैसे लिख दिया? गलती से नहीं लिखा है, सूर्या की जगह उस बोर्ड पर आपने मेरा नाम लिखना चाहा था, पर जानवी के दिल में क्या है ये पूछना भूल गए। ये क्या कह रहे हो तुम, ये सब लड़की के मर्जी से ही तो हो रहा है। शादी करने के लिए तो कहा था, लेकिन ये नहीं पूछा कि वो राजी है या नहीं। हाँ बेटा, मेरे बेटे के नाम से जो बोर्ड बना हुआ है उसको लेकर आप क्यों नाराज हो रहे हो बेटा? जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ भूल सकती है क्या, और जिसे माँ ने जन्म दिया है उस बच्चे को भूल सकती है क्या? जैसे वो बात है वैसे ही ये बात है। तुम्हारा हमारा खून का रिश्ता ना होते हुए भी तुमने वो सारे फर्ज निभाए हैं, तो जानवी का पति बनने में क्या गलत है? किसी को बेटा मानने के लिए पसंद होना जरूरी है, कारण की जरूरत नहीं है, लेकिन पति कहने के लिए कारण चाहे हो या ना हो प्यार होना बहुत जरूरी है। सुनो, उस लड़की से तुम कितना प्यार करते हो ये सभी जानते हैं, उससे शादी करने को कहा तो तुम कितने खुश हुए ये भी हमने देखा है, दिल में इतना प्यार रख कर भी अब ऐसा तुम क्यों कर रहे हो कुणाल? हो सकता है कोयल के अंडे अगर कौवे के पास रहे
तो क्या उससे निकलने वाले बच्चे कौवे के हो जाएंगे? मैंने एहसान इसलिए नहीं किया था कि उसका बदला लूंगा, बल्कि अपना कर्तव्य मानकर किया था। जानवी को अपना बनाना पागलपन नहीं तो और क्या है? देखो, तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, फिर भी मुझे तुम्हारे दिल की बात पता है। तुम मुझे अपने दिल से माँ समझते हो, जन्म देने वाली माँ की तरह मुझे प्यार करते हो, तो दूसरी बातें किए बगैर लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाओ। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो शादी कर लूंगा। चलो बेटी। एक मिनट माँ।